गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित रिमझिम पैलेस में 28 नवंबर को शादी समारोह में डीजे बंद कराने के विवाद में हुई युवक के हत्या आरोपी एक अभियुक्त को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान राहुल चौधरी पुत्र सागर चौधरी निवासी ग्राम जंगल बिहुली पोस्ट पीपीगंज थाना पीपीगंज के रूप में हुई है। रिजर्व पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 28 नवंबर को रिमझिम पैलेस में शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर घराती व बाराती के बीच हुए विवाद व मारपीट में रोहित सिंह उर्फ राहुल सिंह पुत्र हरीशचंद्र सिंह निवासी ग्राम विश्वनपुर रामनगर टोला थाना चिलवाताल की मौत हो गई थी, जिसमें राहुल के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा थाने में पंजीकृत हुआ था, जिसमें मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल एक वांछित अभियुक्त को बरगदवा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राहुल चौधरी पुत्र सागर चौधरी निवासी ग्राम जंगल बिहुली पोस्ट पीपीगंज थाना पीपीगंज के रूप में हुई है, जिसके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक ईंट बरामद किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में गोरखनाथ थाना प्रभारी राजेंद्र बहादुर सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक भूपेंद्र कुमार सिंह, कांस्टेबल अंकित पांडे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ग्यारह 2021 को एक रात्रि में घटना हुई थी, जिसमें डीजे को लेकर कुछ विवाद हुआ था और लड़की पक्ष से एक रोहित सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उन पर ईंट से वार किया गया था। उसी क्रम में हमने गिरफ्तारी की है। ये मुकदमा अपराध संख्या 391/21 पंजीकृत हुआ था, धारा 147, 148, 302 और 323 IPC, और उसमें जो ये नामजद थे ये राहुल चौधरी उर्फ शैलेश पुत्र सागर चौधरी निवासी जंगल बिहुली पोस्ट पीपीगंज थाना पीपीगंज, इनको गिरफ्तार किया गया है आज HP पेट्रोल पंप के थोड़ा आगे बरगदवा तिराहे से। आज 30/11/2021 को 3:15 पे हमने गिरफ्तार किया है इसको, और गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये मुख्य अभियुक्त हैं। इनके अतिरिक्त एक और शैलेंद्र चौधरी नामजद थे और उसके अतिरिक्त 6 से 7 लोग अज्ञात थे, उनकी भी पहचान कराई जा रही है और उन पर शीघ्र उनको भी गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है सर, लड़के से इसका कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। जो मृतक था वो लड़की के पक्ष से आया था और ये लोग लड़के वाले के पक्ष से थे, और डीजे को लेकर विवाद हुआ था, जिसको मृतक और उसके चाचा और चचेरे भाई धर्मेंद्र और ऋषभ सिंह थे, इन्होंने बंद कराया था, उसको लेकर के ये विवाद हुआ था और इस पे इसके सर पे जो ईंट से इन्होंने मारा था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो सर क्या लड़की बाहरी लोग थे कि लड़की के पक्ष वाले कोई नहीं, उस तरफ से ही थे, बारात के पक्ष से ही थे लोग, बाहरी लोग नहीं, बारात के पक्ष से ही लोग थे।